हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। बायोस्फीयर रिजर्व्स के कंपोनेंट हम कवर कर रहे हैं, सुंदरबंस कवर करेंगे और एक रन ऑफ कच्छ। ठीक है, तो दो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं ग्रेट रन ऑफ कच्छ, ये गुजरात में है, आपको इसके बारे में क्लैरिटी है गुजरात में। एंड ये देखो इसका एरिया कितना ज़्यादा एरिया है, ये इंडिया का लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। देखो लार्जेस्ट होने के बावजूद भी ये मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व जो प्रोजेक्ट चलता है हमारा, किसका चलता है, यूनेस्को का, उसका पार्ट ये नहीं है, मैब का पार्ट नहीं है, ये गलती नहीं करनी। और ये देखो सीजनल सॉल्ट मार्श है कि यहाँ पे जहाँ सॉल्टी जो नीचे जैसे जो जमीन सारी सॉल्टी है, सॉल्ट पैंस बनते हैं यहाँ पर, एंड उनमें जब बारिश आती है पानी भरता है तो वो काफ़ी मार्शी लैंड बन जाती है, बहुत ही ज़्यादा हाई सॉल्ट कंटेंट वाली। तो बहुत ही यूनिक तरह का एक ये बायोस्फीयर रिजर्व है और ये पार्ट ऑफ कच्छ, राजकोट वगैरह में, गुजरात में है ये। एंड ये यहाँ पे एक जो यूपीएससी ने सवाल पूछा था एक बार, इंडियन वाइल्ड एस, बहुत आसान सवाल था लेकिन स्टिल पीपल दे डिड नॉट नो कि कैसे अटेम्प्ट करना है। वाइल्ड एस यहाँ पर पाया जाता है। तो यहाँ पर और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें पाई जाती हैं, वो कौन सी, एक वाइल्ड एस के सिवा एक स्ट्राइप्ड हाइना, ठीक है, और एक गजील, जो गजील है जो, और जैसे जो आपको दिखता है हिरन के जैसा, जैसे जैकल्स एंड डेजर्ट फॉक्स, डेजर्ट कैट, ठीक है, कैरकल, वॉल्व, जो वुल्फ मिलते हैं, एंड जो यूपीएससी पूछ चुका है एक बार, कौन सा, खड़ाई कैमल। तो खड़ाई कैमल जनरली ऐसे इस तरह के कैमल हैं जो बहुत बहुत हाई तरह का सॉल्टी वाटर में तैर कर भी उसको पार कर सकते हैं, क्योंकि जनरली जो रन ऑफ कच्छ है उसमें जगह जगह पर आपको पता है समुद्र बीच में आ जाता है जो जो लैंड के ऊपर, एंड तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना हो तो सी क्रॉस करना होता है, तो खड़ाई कैमल उसको क्रॉस कर लेते हैं तैर के। एंड उसके बियॉन्ड देखें अगर, तो ये बहुत लंबा डिस्टेंस भी ट्रेवल कर सकते हैं पानी के अंदर, एंड ये विदाउट रियली गेटिंग अफेक्टेड बाय सॉल्टी वाटर। तो ये इनकी खास बात है खड़ाई कैमल की। तो ये जो जो खारा पानी से निकल जाता है, खराया, खराई है ना, खराई, तो ये एग्जाम में गेस हो सकता था कि ये कहाँ मिलते होंगे, तो इसमें लोगों ने बट लेकिन पहली बार वर्ड सुना था तो दे गॉट इट रॉन्ग, लॉट ऑफ पीपल गॉट इट रॉन्ग। और इस रिजर्व में जो बायोस्फीयर रिजर्व में और क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि इंटरनेशनली फेमस है क्योंकि इंडिया के इंडेंजर्ड इंडियन वाइल्ड लाइफ की बात हो रही है। एंड उसके बाद जो यहाँ पर और हिस्टोरिकल कल्चरल भी है क्योंकि धोलावीरा आपने पढ़ा हुआ है, धोलावीरा हड़प्पन साइट थी, पांच जो ग्रेट हड़प्पन सिटीज हैं उनमें से एक है धोलावीरा, वो भी यहीं पर ही है। और वो एक जैसे खादीर बेट आइलैंड है पर्टिकुलरली जो दो सीजनल नदियों के बीच में बैठता है वो, तो वहाँ पर धोलावीरा भी हुआ करता था। ओके, सुंदरबंस की बात करते हैं। तो सुंदरबन जो वेस्ट बंगाल का पार्ट है और ये मैन एंड द बायोस्फीयर का पार्ट है, ठीक है। मैप में 10 चीज़ें हैं तो 10 ये याद होनी चाहिए आपको। तो जबकि हमारा इतना बड़ा ग्रेट रन ऑफ कच्छ नहीं है उसका पार्ट, जबकि ये सुंदरबंस है। सुंदरबंस भी बहुत ही यूनिक एक जगह है, जैसे मैनग्रूव्स यहाँ पाए जाते हैं ना, क्योंकि जैसे ही जब गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, बात ध्यान रखनी है, दोनों नदियाँ हैं गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, दोनों ही जैसे जो सी में उतरती हैं तो वहाँ डेल्टाज फॉर्म करती हैं, तो उन दोनों डेल्टास के माउथ पर ही ये सुंदरबन जो बनाए गए फॉरेस्ट बन गए। एंड ये मैनग्रूव्स हैं, ये सॉल्टी वाटर को भी सह लेते हैं, उनमें उग जाते हैं। तो यहाँ पे कौन से फ्लोरा इंपॉर्टेंट है, सुंदरी ट्रीज एंड पसूर, सुंदरी एंड पसूर ट्रीज हैं, दोनों ही निमाटोफोर्स हैं, ये बात आपने पढ़ी है। जो जो अपने एनवायरनमेंट में निमाटोफोर्स कौन से होते हैं, जनरली वो वाले जो कि स्टैंडिंग वाटर में जहाँ पे पानी खड़ा हो उसमें भी जो पौधे उग जाते हैं, और उसके बाद इनकी जो जड़ें होती हैं पानी से बाहर निकलने की, क्योंकि पानी से बाहर निकलती हैं एंड जैसे ज़मीन में से पानी से बाहर निकलती हैं ताकि वो पानी खड़े पानी में से भी ब्रीथ कर सकें, ठीक है। एंड जैसे बहुत सारे पेड़ होते हैं वो ऊपर, जैसे मान लो ये ट्री की ब्रांच है तो ऊपर से ऐसे ट्रीज की रूट्स नीचे आती हैं, तो वो वाली जो एरियल रूट्स कहते हैं दोनों को, एरियल रूट्स हैं। कई रूट्स कैसे होती हैं, खड़े पानी में ऐसे ऐसे, जैसे ना आप देखो अगर जैसे जैसे ट्री है मान लो पानी के अंदर सबमर्ज है तो ऐसे पानी के नीचे से रूट्स निकल जाती हैं, तो निमाटोफोर्स कहते हैं। ऐसे यहाँ पे खास तरह का पाम मिलता है, पाम उसका नाम क्या है, नाइपा। नाइपा बहुत ही यूनिक पाम है जो सिर्फ जो नमकीन पानी में पाया जाता है, यूनिक बिल्कुल एकदम, ठीक है, पेपर में आ सकता है नाइपा क्या चीज़ है। और यहाँ पे फौना आपको पता है जो रॉयल बंगाल टाइगर, सौरभ गांगुली भी यहीं से है ना, एंड जो मॉनिटर लिजर्ड, एक लिजर्ड है हमारे जो खास तरह का लिजर्ड मॉनिटर लिजर्ड, एंड ये सिर्फ ये भी एग्जाम में यूपीएससी पूछ चुके हैं मॉनिटर लिजर्ड कहाँ पाई जाती है। साल्वाटोर लिजर्ड तो हमारे देश में कहीं नहीं पाई जाती है बाकी जगहों पर, तो यूनिक सी चीज़ें हैं ये। एंड ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो कंटिगुअस मैनग्रोव एरिया इन द वर्ल्ड है कि जो चलता रहता है एक के साथ जुड़ा हुआ बहुत बड़ा एरिया इकट्ठा, ठीक है। एंड ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन निकालता है, यूनेस्को है ना, ये भी यूनेस्को निकालता है, मैप भी यूनेस्को निकालता है, और जो किसके जो डेल्टा ऑफ गंगा के किनारे साउथ ऑफ कलकत्ता में पाए जाते हैं। और ये ओनली मैनग्रोव रिजर्व है जहाँ पर जिसमें टाइगर्स पाए जाते हैं बहुत सारे। और यहाँ पर अपने कौन से इसमें चीज़ें क्या आती है, रॉयल
ऑल टाइगर रिजर्व भी आता है, सुंदरबन नेशनल पार्क भी आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं सजने खली है ना, लोथियान, एक जो लोथियान आइलैंड बन जाता बीच में, एंड हॉलीडे आइलैंड, ये तो न्यूज़ में था, ये हॉलीडे आइलैंड ध्यान रखना कि हॉलीडे आइलैंड पे लोग जाके बसते हैं एंड देन फिर वो वापस घर छोड़ के आ जाते हैं जब जो वहाँ फ्लड आ जाता है, तो हॉलीडे आइलैंड के पर थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पर खास है, फॉरेस्ट टाइप अगर देख लें इसका तो ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट है ना, क्योंकि पता ही है कि बहुत ही पानी है यहाँ पर, मैंग्रोव्स हैं, मेजर इकोसिस्टम है, उसके सिवा मैंग्रोव की बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती हैं, एंड उसके यहाँ पर जो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, एग्रो इकोसिस्टम, कैसे कि यहाँ पर सिल्वी कल्चर ना, जैसे फिशेज को जो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में पॉन्ड्स वगैरह में फिशेज, पिसे कल्चर जो, और सेरी कल्चर, मतलब जो ये भी सब चीज़ें जो भी साथ साथ हो रही हैं, तो जनरली पिसी कल्चर हो रहा है। सिल्वी कल्चर का मतलब क्या होता है, जैसे जो आप कमर्शियल पर्पजेज के जो ट्रीज उगाते हो, तो ट्रीज की बात हो रही है, वो भी यहाँ पे ट्रीज उगाए जाते हैं स्पेसिफिकली, तो उस तरह की ना, उस कारण से जो फ्लोरा है काफ़ी थोड़ा कमर्शियली भी यहाँ पे यूज़ हो रहा है, प्रॉन्स वगैरह, तो ये हैबिटेट बन जाते हैं इन सब चीज़ों के। एंड देन यहाँ पर ना देखो जो फौना, एक बार सुन लो ठीक है, पेपर में अगर रिकॉल हो जाए कुछ नहीं पता, यहाँ पर टाइगर तो मिल ही रहा है आपको है ना, और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी है, उसके सिवा फिशिंग कैट, जो कैट फिश कर रही है भाई, मज़ेदार नहीं होगा कि वहाँ बिल्ली देख रहे हो, वो मछलियाँ पकड़ रही है, कितना मज़ा आएगा। एंड जो ऐसे लेपर्ड्स हैं जो है, और जो लेपर्ड कैट, ऐसे वाली कैट है जो लेपर्ड से लगती है, येलो मॉनिटर, ये सब ना जो आपकी जनरली वो होता है ना, जो एक बड़ी सी जो एक जो लिजर्ड जैसी होती है मॉनिटर्स, एंड देन ओलिवर रिडली सी टर्टल्स यहाँ पाए जाते हैं, जो हॉक्स बिल सी टर्टल, ग्रीन सी टर्टल, बस नाम सुन लो यहाँ पे आपको सुंदरबन में आएगा कौन से मिलते हैं तो आपको पता होना चाहिए, ग्रीन सी टर्टल, हॉक्स बिल सी टर्टल, ओलिवर रिडली, एंड दो तरह की हमने मॉनिटर यहाँ देखी थी, एक साल्वाडोर और एक बंगाल मॉनिटर हमने यहाँ बात की थी, ठीक है। ओके, थ्रेट्स तो इसकी आपको पता ही है, पूरी दुनिया में जहाँ पे आबादी बढ़ चुकी है वहाँ थ्रेट्स तो थ्रेट्स ही थ्रेट्स हैं, फिशिंग एक्सेसिव होगी, एक्वा कल्चर वगैरह, टिम्बर फायरवुड के लिए जो थ्रेट्स हैं मेजरली, ठीक है दोस्तों। तो ये अपने पास एक छोटा सा अटेम्प्ट था आपको दो चीज़ों के बारे में बताने, तो इन पर थोड़ा नज़र बनाए रखना ठीक है, और कौन से मैप का पार्ट है, कौन सा मैप का पार्ट नहीं है, क्या रटना है क्या नहीं, पर एक बार चीज़ें ना अपनी आंखों के आगे से गुजार लोगे, प्रिंट आउट निकाल के रखोगे इनका, तो जनरली देर सवेर तो चीज़ें याद हो ही जाती हैं, ठीक है। बनो इन सब जगहों पे, आईएएस आईपीएस बन के भारत दर्शन करोगे, यहाँ पे भी घूमने जाओगे, बड़ा मज़ा आएगा, तो फिर थोड़ा मोटिवेशन और बढ़ाओ, ठीक है। थैंक्स अ लॉट।